चंद्रा का मुद्दा एक बार फिर उठा है फिल्म के लिए। इस फिल्म की जो कहानी है फिर उसी मोड़ पर हम उन्हीं की अभिनेत्री जीविका जी से बात करते हैं। देखिए जीविका जी, नमस्कार। हाँ जी, मैं बता रही हूँ इस फिल्म में आप क्या दर्शाना चाहती हैं? जैसे कि इस फिल्म का मुद्दा है ट्रिपल तलाक का, उसके ऊपर फिल्म है। एक ऐसी अपना औरत लेडी है जिनका जिसका जो मैं कैरेक्टर निभा रही हूँ उसका नाम है नास, जिसके ऊपर ट्रिपल तलाक मतलब होता है और उनके हस्बैंड करते हैं। तो मुद्दा है ट्रिपल तलाक का और बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो हमारे देश में अभी चल रहा है, जिस इशू पर लोग बात करना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस बारे में बात हो, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पब्लिक के लिए हम इस चीज़ को दिखाए जाए कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इस मुद्दे को बाहर लेके आए, इस बारे में बात करें पब्लिक से, वो जाने इस चीज़ को कि ट्रिपल तलाक के बाद एक औरत के साथ क्या होता है। ऐसा नहीं कि बस ट्रिपल तलाक हुआ, तलाक दे दिया, डिवोर्स हो गया और औरत अपना सुखी रह के अपनी लाइफ जी लेती है। नहीं, उसके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे और फाइनेंशियल। सो दिस इज़ ये मुद्दे को हमने उठाने की कोशिश की इसके बारे में। इस फिल्म को लेकर आप लखनऊ वालों से क्या कहेंगे? मैं लखनऊ वालों से कहना चाहूँगी कि मैंने लखनऊ के बारे में अच्छा सुना है कि लखनऊ सबको बहुत खुले दिल से, बहुत ओपन नाम से अपनाता है, कुछ भी हो बहुत ही लहजे से बात करते हैं, इज्जत देते हैं कोई भी हो, और अमर हमें बहुत इज्जत दी जाती है, जो जो मुझे मैंने भी करी है इस सिटी की बहुत अच्छी बात है। बहुत यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है कि भाई किसी भी दो उसमें या किसी रिलीजन हो या किसी चीज़ में भी कोई डिफरेंस, सब लोग एक होकर यहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत वेल बिहेव्ड तरीके से यहाँ पर रहते हैं। तो मैं लखनऊ वालों से कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे देश में चार चांद लगाया हुआ है, एक लखनऊ का एक अपना नाम हमारे पूरे वर्ल्ड में किया हुआ है, उसी तरीके से इस फिल्म को आप देखिए, तलाक के इशू पर जो है देखिए और फिल्म को सराहिए ताकि ये फिल्म और भी आगे जाए, हम और भी कोशिश करना चाहते हैं। मैम, फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? फिल्म इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला है, शुरू से जहाँ से मेरी पहली फिल्म हो ताल, मेरी फिल्म ये दिलाशिकाना, या मेरी फिल्म हो पंजाबी फिल्म हो, या मैंने साउथ की फिल्म भी करी है। तो आई थिंक मैंने हर कोशिश करी है, हर लैंग्वेज में जितना मैं कर चुका काम हो, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लोग बहुत अच्छे हैं हमारे इंडस्ट्री के और वो चाहते हैं कि हर चीज़ को हम लेके चलें, तब शायद इसीलिए इस मुद्दे पर फिल्म बनाई गई। थैंक यू। ठीक है, देखिए इस फिल्म की अभिनेत्री थी मेरे साथ कनिका दास, जो उनसे बात करके अच्छा लगा।